गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम लवनीत कौर एंड आई विल बी टीचिंग यू बिजनेस इन्वायमेंट ठीक है जी तो वॉट इज बिजनेस बिजनेस इज द ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ एंटरप्राइज टू सप्लाई कंज्यूमर विद गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस वेरी इन साइज एज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ इम्प्लॉयज और बाय सेल्स वॉल्यूम ठीक है जो बिजनेस है वो साइज में डिफरेंट होता है और इसको इसकी जो मेजरमेंट है वो की जाती है कि कितने इम्प्लॉइज वहाँ पे काम कर रहे हैं और कितनी सेल्स हो रही है ऑल बिजनेस शेयर द सेम पर्पज़ टू अर्न प्रॉफिट बेसिकली जो बिज़नेस किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी एंड द रोल ऑफ बिजनेस इज़ क्रूशियल बी इट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड पुटिंग इट ऑन द ग्लोबल मैप तो क्या क्या हो सकते हैं रोल बिजनेस के सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेस नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना अच्छा लाइफ स्टाइल और इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करना नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट पहले हमने कर लिया बिजनेस क्या होता है अब हम करेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड देर मैनेजमेंट अब जो इन्वायरमेंट होता है वो दो तरह का होता है इंटरनल और एक्सटर्नल these is essentially the givers within which firms their management must operate in a specific country and they vary from country to country ये जो एक्सटर्नल environment होता है ये इंसान के हाथ में नहीं होता ये जो होता है ये बेस्ड होता है गवर्नमेंट और वर्किंग के ऊपर कंट्री की और ये डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है बिकॉज हर एक कंट्री की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की भी हाउ एवर द टर्म बिजनेस इन्वायमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ टू कॉम्पोनेंट दैट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस अब कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग अगर हमने कोई डिसीजन लेना हो अस वॉट एनालिसिस दस द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटी फॉर्मुलेशन तो वो दो चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं वो है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये हम देख सकते हैं ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें आप देख रहे हो ये मैक्रो इन्वायरमेंट है माइक्रो इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं मिशन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंटरनल पार एंड रिलेशनशिप ठीक है तो ये सब हमारे कंट्रोल में है कंपनी की इमेज ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल ग्लोबल डेमोग्राफिक सोशल कल्चरल पोलिटिकल माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जो हेल्प करता है हमें हमारे जो इंटरनल इन्वामेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने में बिजनेस <coughs> इन्वायरमेंट मैंने बता दिया कि टू से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि बिज़नेस डिसीजन कैसा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल नेक्स्ट इज दो चैलेंजेस आ जाते हैं द चैलेंज टू कम बैट द इन्वायरमेंटल थ्रेट्स और एक्सप्लॉयड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं हमारे माइंड में वो आती हैं कि हमने कैसे चैलेंज को लेना है और उस चैलेंज को कैसे हमने एक पॉजिटिव वे में लेके अपने आप को उभारना है ठीक है डिस्कवर करना है नेक्स्ट इज एक्सप्लोय द बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे एक्सप्लॉयड करना है अब दो तरह के इन्वायरमेंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सबसे पहले आज हम करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा वैल्यू सिस्टम The value system of founders and those at the helm of affairs has important bearing on the choice of business, the mission and objectives of the organization, biz, uh, business policies and practices. Value system is our morals, our ideologies. What we idealize, what we Next is mission and objectives. The business domain of the company, priorities... डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट बिजनेस फिलासफी बिजनेस पॉलिसी एक्सेट्रा आर गाइडेड बाई द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर कैसा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरस कराए हैं फंक्शनल मेट्रिक्स ऐसे ठीक है आपको याद हो तो लाइन स्टाफ ये सब हमने जैसे किया है तो ये स्ट्रक्चरस होते हैं नेक्स्ट इज इंटरनल पार रिलेशनशिप फैक्टर्स लाइक अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैनजमेंट फ्रॉम लोअर लेवल शेयर होल्डर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर तो इंटरनली रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे अच्छे होने चाहिए अपने टॉप लेवल के साथ और टॉप लेवल के लोअर लेवल के साथ ह्यूमन रिसोर्स आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स जो परसोनल काम करते हैं उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए मोरल उनका हाई होना चाहिए नेक्सेस कमिटेड होने चाहिए काम के लिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दिस कुड कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हर एक लेवल पे कि वो अपनी कम जो कंपनी है उसको अपना समझें कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी द इमेज ऑफ कंपनी मैटर्स वाइल रेजिंग फाइनेंस फॉर्मिंग ज्वाइंट वेंचर्स और अदर अलायंसेस सॉलिसिटिंग मार्केट इंटरमीडियज एंटरिंग परचेज और सेल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स तो कंपनी की जो इमेज है वो बहुत मैटर करती है कि कौन से कौन से उनको जो है कैसे कैसे अलायसेस करने चाहिए इससे उनकी इमेज बनती है एक लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट अगर नया लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट कैसे वो सेल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं हर एक चीज इंटरनल इन्वामेंट में बाकी फैक्टर्स हैं जैसे फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज जो हम फिजिकल एसेट्स ले रहे हैं मशीनरी वगैरह कंपनी के लिए वो आर एंड डी एंड टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटीज किसी प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं मार्केटिंग रिसोर्सेज कैसे मार्केटिंग करनी है क्या क्या सोर्सेज यूज़ करने हैं प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट ये सब फाइनेंशियल फैक्टर्स कितना पैसा है आपके पास इन हैंड ये सब चीज़ें आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो कल हम करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थैंक यू सो मच इफ़ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो